नमस्कार मित्रों, जय सियाराम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों बधाई हो, 33 कोटी देवी देवताओं ने कर दिया फैसला, सुनकर आपका रोम रोम खिल उठेगा। जी हाँ दोस्तों, जिसके लिए आप तड़प रहे थे वो मिलेगा अगले 6 दिनों के भीतर। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिन कोई ऐसा वैसा नहीं है, इसे हल्के में और मजाक में लेने की कोशिश मत करना। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, अंतरिक्ष के जितने भी ग्रह हैं वो सभी अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों ऊपर वाले का जब निराला खेल शुरू होता है तो जिंदगी में कुछ से कुछ अपने आप होने लगता है। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, समय जिनका साथ देता है बड़े बड़ों का मात देता है। गरीब के घर भूखा बच्चा भी सबको चोर लगता है और अमीर के घर बैठा कौवा भी सबको मोर लगता है। सारा खेल परमात्मा का ही है, लेकिन इस बात का भनक तक किसी को नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से यूं कहें तो अब रंक से राजा बनने का मौका मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा, जब भी आप परेशान होते होंगे, जब भी आप दुख तकलीफ में होते होंगे, तो आप मन ही मन यह सोचते होंगे, आखिरकार भगवान मेरी परेशानियों को देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख तकलीफ को कम क्यों नहीं करता है, आखिरकार हमने ऐसा कौन सा कर्म किया है जिनका सजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है और ना ही आपके कर्मों की कोई गलती है। आप अपने जीवन काल में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन वही अच्छे कर्मों को देखकर भगवान जी आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इम्तिहान ले रहे हैं। अगर आप इस परीक्षा में एक बार सफल हो गए तो आपको भगवान जी वो चीज देंगे जो आप 7 जन्मों तक नहीं कमा पाओगे। जी हाँ दोस्तों, आपके साथ जो भी हो रहा है उसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़ें, क्योंकि किस्मत को बदलने में देर नहीं लगता है। बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में लिखें राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हो कन्हैया लाल की। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं, ऊपर वाले 33 कोटी देवी देवताओं ने आने वाले अगले 6 दिनों के अंदर क्या क्या देने वाले हैं। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 6 दिन आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें, क्योंकि कोई नजायज फायदा उठा सकता है। जी हाँ दोस्तों, कारोबार में नई उपलब्धियां मिल सकती है, खास योजनाएं बनेगी और मार्केटिंग संबंधी कामों को प्राथमिकता दें। आने वाले अगले 6 दिन नौकरी में छोटी मोटी परेशानियां रहेंगी, सिर्फ आपको अपना ध्यान रखना है कि नौकरी या बिजनेस में क्रोध आपका शत्रु बन सकता है। जी हाँ, और बने बनाए प्लान बिगड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुस्सा और घमंड जब हद से बढ़ने लगे तो समझ जाना आप बर्बाद होने के रास्ते पर चल पड़े हो, क्योंकि ये दोनों जब बढ़ते हैं तो इंसान चाहकर भी किसी से गले नहीं लगा सकता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में तेजी आएगी, जिससे आपका रुका हुआ काम पुनः बनने लगेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय घर और बिजनेस दोनों जगह सामंजस्य रखेंगे और निजी कामों के लिए भी समय निकालने में सफल रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, निजी संबंधों में मजबूती आएगी, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद और स्नेह से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कारोबारी मामलों में लापरवाही ना करें। जी हाँ, ये समय बहुत ही मेहनत करने का समय है, जिस तरह से आप मेहनत करेंगे उस तरह से आपको परिणाम मिलेगा। आने वाले अगले 6 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होने वाला है, अपने मार्केटिंग और संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करें। जी हाँ, निकट भविष्य में इससे आप फायदा उठा पाएंगे, ऑफिस से संबंधित कारभार की अधिकता अभी बनी रहेगी, आपको तनाव जो है थोड़ा सा आपके ऊपर हावी हो सकता है,
लेकिन तनाव लेने से बचिएगा, खुद को फ्री रखें, कुछ समय अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करें, अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें, ये आपके लिए बेहतर होंगी। अनुकूल ग्रह स्थिति बनी हुई है, अपने कार्यों को योजनाबद्ध तरीके से गति देने की जरूरत है। इससे आर्थिक प्रयास में और अधिक सुधार आएगा और लाभदायक स्थितियां भी बनेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे यह समय कार्य क्षेत्र की आंतरिक व्यस्तता में कुछ परिवर्तन करना लाभकारी रहेगा। मेहनत के उचित परिणाम हासिल होंगे। सरकारी सेवारत लोग अपने बॉस व अधिकारियों के साथ संबंध मधुर रखें, जल्द ही प्रमोशन हो सकता है। आने वाले अगले 6 दिन आपके लिए बहुत अच्छा समय है, समय का सदुपयोग करें। घर तथा व्यवसाय दोनों जगह सोच समझकर निर्णय लेना, स्वास्थ्य के लिए उचित बनाकर रखना आपके लिए अच्छा रहेगा। बजट के अनुसार कार्य करने से धन संपत्ति संबंधित मामलों में समस्याएं नहीं आएंगी। बच्चे अपनी पढ़ाई को लेकर काफी ज्यादा गंभीर रहेंगे और अपने में ही थोड़ा सा व्यस्त रहेंगे। कभी कभी काम की अधिकता की वजह से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, भावुकता में रहकर कोई भी निर्णय ना लें। किसी नजदीकी व्यक्ति की आर्थिक मदद करने की वजह से आपका हाथ कुछ तंग रह सकता है। जी हाँ दोस्तों, और यह समय कार्य क्षेत्र में कर्मचारियों और सहयोगियों का भरपूर जो है समर्पण रहेगा, आपकी एकाग्रता और उपस्थित माहौल को अनुशासित रखेगी। पार्टनरशिप वाले बिजनेस में छोटी मोटी गलतफहमियों को लेकर अलगाव की स्थिति बन सकती है। अगर आप साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ने का समय है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक बात को पकड़ कर रहेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो उसे पूरा करने का प्रयास करें, सफलता मिलने की पूरी उम्मीद है, फुल गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, सकारात्मक रहने से जो है व्यक्तित्व में भी निखार आएगा। धार्मिक आध्यात्मिक गतिविधियों में सुखद समय व्यतीत होगा। और यह समय अगर सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय फाइनेंस संबंधित कोई भी गतिविधियाँ बहुत ही अधिक है, सावधानी रहें, सतर्क रहें, आपके लिए बेहतर होगा। इस समय कोई धोखा होने जैसी स्थिति भी बन रही है। किसी नज़दीकी संबंधी किसी गतिविधियों को लेकर परेशान रह सकता है, परंतु गुस्से की बजाय धैर्यपूर्ण समस्या का हल निकालें, आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसाय संबंधी सभी कार्य अपनी देख रेख में ही करवाएं, माल की क्वालिटी को और अधिक बेहतर बनाएं। इससे लाभ की स्थिति और अधिक मजबूत होगी। नए ऑर्डर मिलने की संभावना है। नौकरी पेशा लोगों को अपने किसी प्रकार की यात्रा करनी पड़ सकती है जो कि यात्रा सुखद एवं लाभदायक रहेगी। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय कुछ पारिवारिक सदस्यों के साथ भी जरूर व्यतीत करें। इससे आपसी संबंध में और अधिक नजदीकियां आएंगी तथा घर का वातावरण भी खुशनुमा बना रहेगा। वही दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगी, आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगी, यह समय घर के वातावरण को अनुशासित बनाकर रखने में पति पत्नी दोनों का पूर्ण सहयोग रहेगा। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 6 दिन कुछ इस तरह से रहने वाला है। अगर आपको जानकारियाँ अच्छी लगी हो, वीडियो में कोई भी पार्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता दी जरूर लिखें। धन्यवाद।